तो यार मार्केट देख के एक ही बात दिमाग में आ रही है आज, तुमसे ना हो पाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल द नूब ट्रेडर। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो यार ये है वन डे का चार्ट निफ्टी का, और 200 EMA को इसने तोड़ दिया, मड़ोड़ दिया और उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। डेली न्यू लो पे न्यू लो लगाया जा रहा है, हम उम्मीद पे बैठे रहते हैं थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। बट ये नीचे जा रहा है और नीचे भी सस्टेन नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है ऊपर भी सस्टेन नहीं कर रहा है। तो फुल चॉपी मार्केट, बिल्कुल सेलर्स का मार्केट है, ऑप्शन सेलर्स, और हम बायर्स को रुला के रख दिए इसने। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो लेवल मार्क कर लेते हैं। अभी के लिए तो लेवल यही है नीचे, 257 का एक लेवल है। 257 के अगर ये नीचे गया तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, मुझे तो लग रहा है ये जाएगा। 17,200 का तो टारगेट है ही है, ये आप लेके चल सकते हो कल अगर इसके नीचे थोड़ा भी आया तो। ऊपर की अगर हम बात करें, ऊपर एक ये लेवल है, प्राइस लगाता हूँ, 17,358। तो 17,358 और 17,258, ये 100 पॉइंट का रेंज है निफ्टी का। इन दोनों में से अगर कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया तो हम एक 100 पॉइंट का और मूव दे सकते हैं, 150 का, अप टू 427। और इसके ऊपर अगर हम गए तो 486। इसके ऊपर अभी निफ्टी को जाना इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे इस वीक। तो अभी हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी में 200 EMA का सपोर्ट है। तो एक बात अच्छा है कि बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ये 200 EMA को फॉलो कर रहा है और ये इसके ऊपर ही है। बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, हालांकि यहाँ पे एक डोजी कैंडल हुआ है क्लोज, कल इनगल्फिंग हुआ था, बुलिश इनगल्फिंग, और आज डोजी है। और इसको आप देखे तो आप थोड़ा सा ऊपर भी गया था कल के हाई से। तो बैंक निफ्टी का अभी भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है, ये ट्रेंड लाइन भी चल रहा है, इसने सपोर्ट लिया है। तो बैंक निफ्टी का अगला जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 43,94, मतलब 4,400 आप पकड़ लो। 4,400 के ऊपर निकला तो ये ऊपर तक जाएगा 520, 520 के ऊपर निकला तो ये जाएगा 700। ये तीन रेजिस्टेंस एरिया है और बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, बिकॉज आप देख रहे हो जब भी ये नीचे आ रहा है ये ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। जब भी ये ऊपर की तरफ आ रहा है ये बाउंस बैक नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, और नीचे आ रहा है तो ऊपर की तरफ एक बड़े कैंडल से जा रहा है। आप देख सकते हो नीचे आया, ट्रेंड लाइन को टच किया, ऊपर फेंका गया, ऊपर गया, नीचे स्पाइक। देखो बस आप, बिल्कुल चॉपी मार्केट, रेंज बाउंड और ऑप्शन खाने का प्रीमियम डिके मार्केट है। तो यार नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। तो नीचे तो सबसे पहले यही है एक सपोर्ट, फोर्टी थाउजेंड के 80। आज ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। 40,080 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगा तो आप यार आग बंद करके यहाँ के लिए ले लेना, जो कि है निकल के आ रहा 39,900। 39,900 तक इसे कोई रोकने वाला नहीं 40,080 के नीचे, और 39,900 के नीचे आया तो 39,800 तक का ले सकते हो। ऊपर की बात करें तो ये डे हाई जो कि 4,400, ये टूटा तो ये 200 EMA का जो सपोर्ट बन रहा है वो आएगा 4,500 तक। 4,500 के ऊपर 4,700 तक का बन रहा है, 4,700 and 735। फिलहाल के लिए इसके ऊपर मैं मार्केट को नहीं जाता देख रहा हूँ, और सेंटिमेंट अभी बहुत बियरिश है। तो मे बी ये एक दो दिन यहाँ होल्ड करे और होल्ड करके शायद से ये ब्रेकडाउन दे दे। बट ऊपर की तरफ मैं 500 और 700 के ऊपर अभी नहीं जाता, वो देख रहा हूँ। फिलहाल आज ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने को आया नहीं गाइस, सेम लेवल है, बिकॉज आज पूरे दिन मार्केट एक ही रेंज में चलता रहा। तो यार आपको पता है एक रेंज अगर ये कितना है, 400 से लेके 157 का रेंज है, तो यार कम से कम ये 200-250 का रेंज है, 250 पॉइंट का रेंज है, इसी बीच ये घूम रहा है। तो कुछ नए लेवल्स तो अभी निकल के आ नहीं रहे। बस आप बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन को आप देखते रहना, ये ट्रेंड लाइन जब भी टूटेगी तो उसके नीचे एक फॉल आ सकता है।
टिल देन आप बने रह सकते हो। बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, आज स्कैल्पिंग का बहुत अच्छा डे था, ऊपर जा रहा है बार बार नीचे आ रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो आप स्कैल्पिंग में आज अच्छे प्रॉफिट कमा सकते थे। देखते हैं आज के लिए क्या होता है, अभी कल मार्केट अब कैसे रिएक्ट करती है। तो थैंक यू फॉर द लाइक्स एंड सब्सक्राइब गाइज, आप जितने भी प्यार दे रहे हो मुझे ऐसे ही आप प्यार देते रहो, मैं ग्रो करता रहूँगा और आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो टिल देन गुड बाय।